कि टेरर फाइनेंसिंग का नेटवर्क जो हमने तोड़ा है उसके सिलसिले में इस नेटवर्क में सबसे इसकी जब शुरुआत हुई, जब हमें आर्मी के जरिए से पता चला, इंफॉर्मेशन आई कर रहा है, इस खबर के बुनियाद पर एसओजी जम्मू ने एक शख्स जिसका नाम मुदस्सर फारूक भट्ट है, जो कि डोडा का रहने वाला है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया कि वो ऐसे लश्करे तैयबा के नेटवर्क से जुड़ा है। इस शख्स से 19 जुलाई को एक टिफिन बॉक्स रिकवर हुई, इसकी डिस्क्लोजर पे, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए 2000 की करेंसी में कंसील्ड तरीके से रखा गया था। फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए और इन खुलासे की बुनियाद पे जम्मू पुलिस ने और साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, हमने 5 और लश्करे तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है तौकीर अहमद भट्ट, ये मौलवी का काम करता है, मौलवियत करता है, आसिफ भट्ट जो कि सरेंडर टेररिस्ट है और एक्स एसपीओ है, खालिद लतीफ भट्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, गाजी इकबाल जो यहां तालाब खटिका का रहने वाला है, और तारिक हुसैन मीर। तो कुल मिला के 6 गिरफ्तारियां हुई, केस एफआईआर नंबर 42 लगा यहां पे पिछले महीने, और इसमें दफा 38 और 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाई गई, 38 मेंबरशिप के मुतल्लक है जो कि लश्करी तैयबा की मेंबरशिप है, और 40 फाइनेंसिंग और अन्य जो सपोर्ट एक्टिविटीज है इसके मुतल्लक है। ये सभी एक हारून एलियास खुबैर, जिसका असली नाम मोहम्मद नवीन भट्ट है, जो डोडा का रहने वाला है, इस हारून ने 1997 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी लश्करे तैयबा के साथ, और ये वापस आया था, डोडा में एक्टिव था, और डोडा में लश्कर के गतिविधियों में शामिल होने के बाद 2006 में ये वापस चला गया था पाकिस्तान एक्सफिल्ट्रेट करके, और तब से ये लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है और अब भी वहां पे एक्टिव है। इस हारून ने ये नेटवर्क यहां खड़ा किया हुआ था, जो पिछले 2-3 साल से यहां किसी न किसी तरीके से लश्कर की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसमें मिसाल के तौर पे रिक्रूटमेंट हुई थी, यहां पे 2 लोग रिक्रूट हुए थे उनके जरिए जो डोडा के ही रहने वाले थे, जिनमें एक का नाम आबिद अहमद भट्ट है, जो 2018 में कश्मीर घाटी में एनकाउंटर के दौरान मारा गया, और दूसरा जमाल दीन है, जो फिर 2018 में ही जिसने लश्कर ज्वाइन किया था, और 2019 से ये अभी गिरफ्तार होकर जेल में है। इसके अलावा इनको जो काम सौंपा गया था वो एक ओवरग्राउंड नेटवर्क बनाना था और एक कंड्यूसिव माहौल तैयार करना था, जिसमें कि ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर सके, उसको अंजाम दे सके। इसमें
इस काम को करने के लिए कंटिन्यूअसली इनको पैसे की सप्लाई की जाती थी। अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें तकरीबन 12.5 लाख रुपए का हमें हवाला आया है, जिसमें कि 3 जरिए से ये पैसे इनको भेजे गए। एक तो वो अनसस्पेक्टेड लोग जो है, जो विजिटर्स हैं, जो अपने रिश्तेदारों को विजिट करने जाते हैं वाया अटारी बॉर्डर वीजा के जरिए, और जब ये वापस आते हैं तो वहाँ लश्कर का कोई टेररिस्ट आता है, आतंकवादी, और इनको कुछ पैकेट हैंडओवर करता है और इनको ये कहता है कि इन्हें जम्मू ले जाना है, और जम्मू में कोई लश्कर का आदमी आके इनको कलेक्ट कर लेता था। जिनमें इनमें से जो 6 गिरफ्तार हैं, इनमें से कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कलेक्शन का काम करते थे लश्कर के लिए। तो एक चैनल ये है अटारी बॉर्डर के थ्रू टिफिन बॉक्स में कंसील करके, अन्य तरीके से कंसील करके इनको लाना। दूसरा हवाला के जरिए इनको मुंबई के थ्रू भी पैसा भेजा गया, और तीसरा वायर ट्रांसफर्स भी इनको बैंक में किए गए, अन्य मुख्तलिफ जगहों से वायर ट्रांसफर्स किए गए, जिसमें कि किसी भी शख्स के नाम पे या किसी रिश्तेदार या किसी दूर दराज के दो रिलेटिव या दोस्त के नाम पे पैसा आता था, और फिर वो पैसा कैश विड्रॉल होके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी लश्कर के एक्टिव टेररिस्ट को होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन उन टेररिस्ट की फैमिलीज को होती थी जो मारे जाते थे मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में, और डिस्ट्रीब्यूशन इनके ओवरग्राउंड नेटवर्क को बनाने में और सपोर्ट करने में की जाती थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम इनको लश्कर के द्वारा सौंपा गया था, जिसमें कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस और वाइटल इंस्टॉलेशंस की रेकी करना, इनके वीडियोस बनाना, इनके फोटोग्राफ्स लेना और इनको भेजना बाहर लश्कर के कमांडर्स के पास, ये इनका काम था। 2 ऐसे रिकग्निशंस हमारे नज़र में आए हैं अभी तक, और भी तफ्तीश जारी है, जिसमें कि उदयपुर नॉर्दर्न कमांड के इंस्टॉलेशंस की रिकग्निशंस हुई, उनके फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेके भेजे गए बाहर, और साथ ही साथ उड़ी के भी कुछ आर्मी इंस्टॉलेशंस की रिकग्निशंस हुई और उनकी भी फोटोग्राफ्स वीडियोस को बाहर भेजा गया। इस पूरे नेटवर्क में कुछ और कश्मीर बेस्ड ओवर ग्राउंड वर्कर्स जो लश्कर से जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने आए, जिन पे तफ्तीश जारी है। ये नेटवर्क, इसकी रीच कुछ पंजाब, कुछ मुंबई, कुछ थोड़े बहुत यूपी से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, और इनमें भी ये इनकी ओवरग्राउंड सपोर्ट बेस और या उनके सप्लाई चैनल्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते रहे। इस नेटवर्क ने पिछले महीने डोडा में एक पाकिस्तानी फ्लैग की होस्टिंग की थी, जो कि लश्कर के कमांडर के कहने पे हुई थी। वो केस भी जो वहां पे डोडा में रजिस्टर किया गया है, वो भी इसी नेटवर्क के द्वारा किया गया था, और इस नेटवर्क की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, और इस पे उस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी होती थी ये व्हाट्सएप के जरिए या अन्य चैट प्लेटफॉर्म्स जो है, जो इनक्रिप्टेड है, इनके जरिए होती थी, और ये इनक्रिप्टेड चैट कर कर के ये चाहे तो पैसे का लेन देन हो, चाहे वो किसी को मोटिवेट करना हो, चाहे वो किसी को रेडिकलाइज करना हो, चाहे किसी को लश्कर के फोल्ड में लाना हो या किसी और जगह पे मदद पहुंचानी हो, ये काम ये नेटवर्क करता था। तो कुल मिला के इस नेटवर्क को के जरिए हमने लश्कर का बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी पे नकेल कसी है, और इस पे तफ्तीश रवा है। काफ़ी और खुलासे होने की संभावना है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया।